व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सेंट जॉन के कोबरा ड्यू के ऊपर। इसका नाम है नॉटी। एक अलग बेहतरीन खुशबू है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। इस परफ्यूम के बारे में, इस ड्यू के बारे में आज आपको बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या इसके नोट्स हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसी इसकी खुशबू है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियोज़ को और शेयर भी करिएगा। जो बॉटल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आप देख रहे हैं। ये इसकी बॉटल है और 230 इसका प्राइस है। आप अगर देख पाओगे तो 230 इसका प्राइस है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था तो मुझे 156 के आसपास मिल गया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर परचेज़ करिएगा। अब आपको बताता हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। सबसे पहली बात, ये गैस डीओ है, लिक्विड डीओ बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जिम वगैरह के लिए बेहतरीन खुशबू है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक बहुत ही अलग यूनिक खुशबू है। कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे मसाला अगरबत्ती होती है वैसी खुशबू इसकी है, हो सकती है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक मसाला खुशबू जैसी ही इसकी खुशबू है। एक पाउडरी खुशबू इसे कहते हैं उस तरीके से। इसकी जो नोट्स की मैं आपको बात करूँ तो इसकी नोट्स की डिटेल कहीं भी मेंशन नहीं करी गई है। जो मैं फील कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इसकी जो खुशबू है थोड़ी सी जो एक फीमेल टच होता है वैसी है। इसमें फ्लावरी की खुशबू बहुत ज़्यादा है, जो फूलों की खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा है। सैंडलवुड का भी इसमें यूज़ किया गया है और हल्का सा जो टेलकम पाउडर का जो टच होता है वो भी है। बहुत ही अच्छी खुशबू है, कह रहा हूँ माइल्ड खुशबू है ये। सबसे पहली बात ये है कि माइल्ड खुशबू है। माइल्ड खुशबू से मेरा मतलब ये है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। लेडीज़ चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से बोलो तो यूनिसेक्स खुशबू है ये। इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है। हाँ, लॉन्जेबिलिटी थोड़ी कम है, 4 या 5 घंटे तक ही है, लेकिन आप इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे ये अच्छी चीज़ ये है कि इसको डे में यूज़ कर सकते हो, नाइट में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा किसी को भी हेडेक नहीं होगा। इसको अगर आप डायरेक्ट बॉडी पे नहाने के बाद डायरेक्ट बॉडी पे यूज़ करते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको कोई भी जलन वगैरह इचिंग नहीं होगी। पर शर्त ये है कि बॉडी से एकदम टच करके नहीं, थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है। इतना एटलीस्ट गैप होना ज़रूरी है, तभी जाके बॉडी पे ये जो है अच्छा काम करेगा। ठीक है, और जिम, जैसे आपको बताया, जिम के लिए अच्छा है। स्कूल, कॉलेज, हर किसी को ये खुशबू पसंद आएगी। बहुत अच्छी खुशबू, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। प्राइस का कम है लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया है, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने काफ़ी परफ्यूम डीओ का रिव्यू किया है, अत्तर का भी रिव्यू किया है, लेकिन ऐसी खुशबू बहुत ही कम आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो लेटेस्ट सलमान खान के जो परफ्यूम लॉन्च हुए हैं, डीओज भी लॉन्च हुए, परफ्यूम भी लॉन्च हुए, उन 4 परफ्यूम में से एक परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जब उसका रिव्यू करूँगा तो आपको बताऊँगा मैं। बहुत ही डिफरेंट खुशबू है, एक अच्छी खुशबू है। आपको बताना चाहता हूँ, आजकल जो इंडिया में परफ्यूम इंडस्ट्री है वो काफ़ी, जो कहते हैं, एक तरीके से तरक्की कर रही है। तरक्की में से जो पहले महंगी खुशबू हुआ करती थी, जो खुशबू बहुत महंगे दामों पर मिला करती थी, आज वही खुशबू बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू है, जिसका ये कि ये भी एग्जांपल है कोबरा डीओ। कई लोग जिनको इसी बारे में पता नहीं है, आप ज़रूर चेक करिएगा। डेफिनेटली एक अंडररेटेड ब्रांड है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही शानदार है, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको मैंने इसका रेट बता दिया, इसकी लॉन्जेबिलिटी बता दी, इसके नोट्स बता दिए, कहाँ कहाँ यूज़ करना ये बता दिया। आराम से बॉडी पर यूज़ करिए, कपड़ों पर यूज़ मत करिएगा, और गले पे, पीछे भी, आम पेट पे भी इसको यूज़ करिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके अभी मुझे बताओ। कोई भी आपको डाउट है तो व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए परफ्यूम, एक नए अत्तर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।